Chef Shailendra, and I welcome you to Saffola Masala Oats, my special recipe. Yes, as the name suggests, we are going to do a lot of magic here with oats. हम बढ़िया बढ़िया तरह तरह की recipes बनाएंगे simple oats के साथ. जब भी कभी हम healthy food के खाने के बारे में बात किया करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि health food is very boring. Not anymore. With masala oats, we are going to add a lot of spice to your regular food and make it very healthy. आज ऐसी एक health भरी recipe बनाएंगे fish के साथ. How many of you have ever thought of having fish and oats? Never, right? देखते जाइए ये recipe कैसे बनती है. इसके लिए हमने लेना है fish and what we are going to do is we'll marinate the fish with a little bit of lemon. थोड़ा सा lemon juice डालकर फिश को मैरिनेट करना है थोड़े से लेमन जूस के साथ ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए फिश को. उसके बाद हम डाल देते हैं थोड़ा सा गार्लिक चॉप्ड गार्लिक और थोड़ा बारीक कटा हुआ जिंजर और थोड़ा नमक डाल देते हैं. दोनों तरफ से फिश को हमने मैरिनेट कर लेना है और इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं. अब हम बना देते हैं इस मच्छी के साथ जो पेयर किया जाने वाला है वो है मैंगो और चिली का डिप या सालसा. तो वो बढ़िया सा सालसा फ्लेवर भरा हम बना देते हैं. अभी एक अच्छे राइप मैंगो को लेकर हमने उसे काट लेना है. मैंगो का स्वाद किसे पसंद नहीं है. मैंगोज को पील करके हमने रैंडमली चॉप कर देना है. इसे फाइनली चॉप किया जाए ताकि एक छोटे से माउथफुल में सारे के सारे फ्लेवर्स इसमें आ सकते हैं. सालसा वैसे डिश तो है स्पैनिश लेकिन शायद ही स्पेन के लोगों ने सोचा होगा कि आम का सालसा बनाया जा सकता है. वो तो हम देसी लोगों की खासियत है कि जो ऐसे ऐसे चीज़ें लेकर आते हैं हमारे किचन से या गार्डन से जिससे हम बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर्स को मिला सकते हैं. इस मैंगो को हम निकाल लेते हैं इस बोल में. अब इस बोल में डालेंगे हम थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक थोड़ी चॉप्ड चिली थोड़ी सी ज़्यादा चॉप चिली और थोड़ा सा नमक एकदम बिल्कुल चुटकी भर नमक. उसमें डाल देंगे एक छोटे से लेमन का जूस और उसके बाद हम डालेंगे सफोला ऑयल. उसके ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स एकदम रफली काट कर और इसे मिक्स कर देते हैं. वाह इसकी खुशबू तो यहाँ तक आ रही है और इतनी बढ़िया है कि मैं क्या बताऊँ. ये फिश जो है हमारे 10 मिनट के लिए मैरिनेट हो चुके हैं. इसे पकाने के लिए हम एक पैन गरम कर लेते हैं और इसके ऊपर डालेंगे मसाला कोरिएंडर ओट्स. ओट्स यूज़ करने के फ़ायदे बहुत होते हैं क्योंकि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल घटाने में बहुत ही मदद करते हैं. तो ये ओट्स हम टैप कर रहे हैं फिश के ऊपर. नॉर्मली जो फिश एंड चिप्स आपने देखा होगा उसमें ब्रेड क्रम्स लगाया जाता है. आपको तो पता ही है कि एज अ कॉम्पोनेंट ब्रेड इज नॉट एज हेल्दी बट नाउ यू हैव अ हेल्दियर ऑप्शन राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन यूज इट एनी टाइम यूड लाइक टू. डाल देते हैं थोड़ा सा सफोला ऑयल. वी विल इंट्रोड्यूस द फिश
fillets into the pan. और tender fish के ऊपर जो हमने oats का layer कराया है वो काफी crusty होने वाला है उससे fish. So it will be as kurkura as your regular fish and chips, but a healthier way. तो ऐसे टर्न कर लेते हैं ये हमारा फिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अब हम शुरू करते हैं इसके प्लेटिंग की तैयारी. हमें लगेगा एक लेमन का वेज. पहले तो हम ये सालसा जो है ये सालसा लगा देते हैं प्लेट पर. नाइस लार्ज डॉलप ऑफ दिस टैंगी मैंगो सालसा. उसके साथ वी विल पुट दिस फिश. हम गार्निश करते हैं एक लेमन से. फ्रेश कोरिएंडर की एक स्प्रिग डाल देते हैं. ये बन गया तैयार हमारा मसाला कोरिएंडर ओट्स ग्रिल फिश विद अ मैंगो चिली डिप. चलिए फटाफट देख लेते हैं इसका एक क्विक रिकैप. मसाला एंड कोरिएंडर ओट्स फ्राइड फिश एंड चिप्स बनाने के लिए आपको चाहिए एक पैकेट सफोला मसाला एंड कोरिएंडर ओट्स, एक छोटी फिश फिले, एक नींबू, एक छोटा चम्मच लहसुन, एक टीस्पून अदरक, एक आम, एक हरी मिर्च, 10 ग्राम धनिया के पत्ते, स्वाद अनुसार नमक. If you have made any interesting recipes using different flavors of Saffola Masala Oats, please share it with us at teamsaffola@maricoindia.net. If selected, you can appear with us on our show and win exciting prizes. तो चलिए आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक रहा. अगली बार फिर मिलेंगे और एक innovative recipe के साथ. Until then, you stay healthy and I'll see you soon.